मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको ओपीएस को लेकर दो खबरें देनी है। एक तो अच्छी खबर है और एक थोड़ा कंफ्यूजिंग खबर है। अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। वहाँ बीजेपी की सरकार थी और जब सरकार ने वहाँ बदला चुनाव में और कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस ने वादा कर रखा था कि हम पुरानी पेंशन देंगे, तो वो वहाँ पुरानी पेंशन लागू हो गई है। और राजस्थान में चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई है, कांग्रेस की चली गई है, तो अशोक गहलोत ने जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रखी थी 2022 से, उसकी जगह नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लाने की राजस्थान सरकार ने कोशिश की है। और उन्होंने ऑर्डर भी इशू कर दिया था, लेकिन बाद में विड्रॉ करना पड़ा। उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपको अच्छी खबर देता हूँ कर्नाटक सरकार की। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है, चाहे वो राजस्थान में आई हो, हिमाचल में आई हो, छत्तीसगढ़ में आई हो, तो वहाँ इन्होंने पुरानी पेंशन लागू की थी। और अब चूंकि सरकार बदल गई है, तो कर्नाटक में भी उत्तर प्रदेश पुरानी पेंशन लागू हो गई है। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, इन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इन्होंने इन्फॉर्म किया कि 13,000 कर्मचारी जो 2006 के बाद कर्नाटक सरकार में भर्ती हुए हैं, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन का मतलब हो गया कि आपकी तनख्वाह का आखिरी तनख्वाह जो आप रिटायर होंगे उस वक्त की, उसका 50%, और उसके बाद हर 6 महीने में डीए बढ़ता है। तो आपकी तनख्वाह जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती है, उतना ही आपके भी पेंशन बढ़ती रहती है। हर 6 महीने में डीए लगता है। तो ये तो हो गया कर्नाटक सरकार का डिसीजन। और कर्नाटक सरकार ने ओपीएस लागू की है और उसे 13,000 लोग हैं। लेकिन एक इसमें थोड़ा सवाल जरूर उठता है कि जो 2006 से और 2023 तक यानी लगभग 16 सालों में महज 13,000 ही कर्मचारी भर्ती हुए क्या, जबकि लाखों कर्मचारी होते हैं। इसका मतलब जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह महज 13,000 लोग भर्ती हुए हैं। बाकी इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हो रहे हैं या जो अंशकालिक तौर पर टेम्प्रोरी भर्ती हो रहे हैं। तो एक चिंता की बात जरूर है। इस पर आप लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो यूनियन के लोग हैं, उनको इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए कि क्या सरकार में अब केवल कॉन्ट्रैक्ट पर ही लोग होंगे। ये बड़ा इशू है। और अब जो बुरी खबर है, वो खबर यह है कि कर्नाटक में ओपीएस हो गया, लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दो जगह पुरानी पेंशन स्कीम पर तलवार लटक गई है। अभी राजस्थान ने कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते में, एक कृषि सहायकों की भर्ती की थी 20 लोगों की, और उसमें उन्होंने लिख दिया था कि इनको एनपीएस के तहत, एनपीएस कौन सा, 2003 का ऑर्डर जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का है, उस हिसाब से इनका तनख्वाह से अंशदान कटेगा, यानी सरकार इनको एनपीएस में देगी, ओपीएस नहीं देगी। लेकिन जब हल्ला मचा तो सरकार ने उसमें जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने एकदम उसमें अमेंडमेंट कर दिया, यानी विलोपित कर दिया। एक अमेंडमेंट निकाला कि जो अंशदान लिखा हुआ था एनपीएस का, उसके विलोपित कर दिया गया। लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया है कि विलोपित तो कर दिया, तो या इसका मतलब ये कि उनको ओपीएस मिलेगा, या ओपीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे अभी कन्फ्यूजन है। ये राजस्थान सरकार को अभी इसमें क्लियर करना है। तो उसमें कर्मचारियों के बीच में थोड़ा सा डर भी हो गया है कि 2022 में तो लागू हुआ, एक तो जब चुनाव के समय हुआ तब गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू किया, और अब लगभग साल भर भी नहीं हुआ कि अब इसको बीजेपी सरकार विड्रॉ कर देगी। और चूंकि बीजेपी का स्पष्ट इसमें स्टैंड है कि हम ओपीएस नहीं देंगे, क्योंकि ओपीएस देने से सरकार के खजाने पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। सरकार की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। जो पैसा हम इधर ओपीएस में लगाएंगे, उतना हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, कल्याणकारी योजना लागू कर सकते हैं। अब मित्रों, इसमें एक सवाल ये भी है कि जो केंद्र सरकार है, क्या वो ओपीएस देगी, ये सवाल है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा, केंद्र सरकार ओपीएस नहीं देने वाली है। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए ये है कि केंद्र सरकार एनपीएस में अमेंडमेंट ला रही है जो ओपीएस की तरह होगी। यानी अभी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनाउंस करने जा रही हैं
और शायद अनाउंस हो भी जाएगा, अगर उसमें नहीं होगा तो उसके तुरंत बाद होगा, कि एनपीएस में जो आपको अभी मिलता है, अभी आपको कितना मिलता है, 10% आपकी सैलरी से कटता है, 14% सरकार देती है, और मार्केट में इस पैसे को लगाया जाता है, और मार्केट से जो रिटर्न आता है वो मिला के आपको 30-35% आपको पेंशन मिलती है। तो जब आपको ये पैसा मिलता है तो ऐसा लगता है कि आपकी पेंशन कम बन रही है, और उसकी बड़ी शिकायत रहती है कि ये पैसा कम मिला है, तो इसलिए कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि हमको ओपीएस मिलना चाहिए। तो सरकार ने क्या व्यवस्था कर रही है कि जो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है कि 50% की गारंटी, यानी एश्योर पेंशन स्कीम, 50% आपको सैलरी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी कि 10% तो आपकी सैलरी से कटेगा, 14% सरकार देगी देगी, ये पैसा मार्केट में लगाया जाएगा, इसमें से जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न का जो भी टॉप अप होगा, यानी अगर 30% रिटर्न आता है तो 20%, अगर 35% रिटर्न आ जाए तो 15%, अगर 40% रिटर्न आता है तो 10%, यानी जो भी रिटर्न होगा उसका टॉप अप केंद्र सरकार करेगी और आपको पेंशन 50% देगी, यानी एश्योर गारंटेड पेंशन आपको मिलेगी। ये बजट में अनाउंस होने वाला है, और इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर केंद्र सरकार ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, केंद्र सरकार के जो लगभग 70 लाख कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होगा। 70 लाख कर्मचारी में से जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं वो करीबन होंगे 10 से 15 लाख, तो उन लोगों को भी पुरानी पेंशन की तरह ही नई पेंशन स्कीम मिल जाएगी, और ये उनके लिए बड़ी भारी राहत होगी, क्योंकि जो भी नए बच्चे आ रहे हैं बहुत ही क्वालिफाइड आ रहे हैं, जो सिविल सर्विस में भी आ रहे हैं या जो एलाइड सर्विस में भी आ रहे हैं, बहुत ही क्वालिफाइड आ रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़े बड़े IITian आ रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हम प्राइवेट सेक्टर की जो बहुत अच्छी स्कीमें हैं, बहुत अच्छे पैसे उसको छोड़कर आ रहे हैं, और यहाँ हमको सरकार पेंशन भी नहीं दे रही है, तो ये लोग फिर वापस छोड़ के चले जा रहे हैं वापस। फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, अगर इनकी जब ये ग्रुप ए में आते हैं तो ले देखिए 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में अगर ठीक ठीक जाते हैं उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, 2-2.5 लाख रुपये से शुरुआत होती है, तो इस तरह से उनको लगता है कि फिर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो सरकार इसलिए ऐसा कोई स्कीम लॉन्च कर रही है एनपीएस की कि जो 50% की आपको गारंटी मिलेगी, और उसके बाद आपको इस तरह से आपको एक अच्छा ऑफर मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला नहीं किया है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि वहाँ भी विड्रो हो। तो राजस्थान ने भी विड्रो नहीं किया है, राजस्थान विड्रो कर सकती है, ऐसा भी राजस्थान में चल रहा है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक न करें, लोकसभा चुनाव के बाद करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक लोगों में फिर नाराजगी हो जाएगी, और इस वक्त जो बीजेपी का टारगेट है वो 400+ सीटों जीतने का है, तो उसमें खलल नहीं चाहती पार्टी की, खलल हो जाए तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बजट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, बजट के बाद फिर देखना होगा कि क्या होगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और लोगों से भी करें कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, और फिर मैं आपके लिए जैसे भी OPS NPS को लेकर अपडेट आएगा जरूर देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।